हेलो फ्रेंड्स, सुपर सेल ऐसे मैं निपा मिस्त्री आज आपके लिए गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ। विंटर का सीज़न है तो गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाने का बहुत मज़ा आता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये गाजर है उसको मैंने ग्रेट कर लिया है और एक लोहे के अंदर मैंने डाल दिया है और उसको हम ऐसे धीमी आँच पर सेक लेंगे और लगातार हिलाते रहना है क्योंकि हम ये गाजर का हलवा बिना घी के बना रहे हैं तो नीचे चिपकने का डर ज़्यादा रहता है। अगर आप चाहे तो ये नॉनस्टिक कढ़ाई में भी बना सकते हैं, तो उसको लगातार हिलाते रहना है जब तक कि इसका जो मॉइस्चर है वो जल ना जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। और जब मॉइस्चर निकल जाएगा तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये श्रिंक हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर ये मॉइस्चर निकल गया है और गाजर का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें मिल्क डाल देंगे। मैंने करीबन 1 kg गाजर लिए थे तो हम 1 लीटर मिल्क डाल देंगे। और मिल्क डालने के बाद उसे उबालना है जब तक कि इसका जो मिल्क है पूरा जल न जाए, तब तक हमें उसको उबालना है और बीच बीच में हिलाते रहना है। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप ये रेसिपी बना रहे हो तो जो भी कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखिए, ये हमारा पूरा मिल्क जो है जल गया है, तो अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप जितनी शक्कर ली है उसको हम डाल देंगे। और शक्कर डालने के बाद हम इसे हिलाएंगे और तब तक हम इसे पकाएंगे कि जब तक जो शक्कर का जो पानी है वो जल न जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि ये चिपकेगा नहीं। फ्रेंड्स, देखिए ये ऑलमोस्ट हो गया है तो हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डाल देंगे और फिर हम खसखस डाल देंगे। मैंने 1 teaspoon इलायची पाउडर ली है और 2 से 3 tablespoon जितनी मैंने खसखस डाली है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहे तो इस स्टेज पर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। देखिए, अब हम सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बॉल में सर्व कर लिया है। इसका कलर इतना ब्यूटीफुल लग रहा है कि देखने से ही खाने का जी हो रहा है और टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।